लोगों के अंदर तुमने वही ज्वाला जगाई जो तुम में है। लोगों के अश्रु मिटाने के लिए इस युद्ध को तुम्हें जीतना होगा। तुम्हारी जन्मभूमि वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है। धर्म की रक्षा के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। क्या आपकी सहायता की आवश्यकता है? क्या आप तैयार हैं? आज हम बात करने वाले हैं इंडियन सिनेमा की एक सबसे मच अवेटेड फिल्मों में से एक कल की 2898 एडी अपडेट के बारे में, जिसमें आपको सिर्फ सुपरस्टार प्रभास ही नहीं बल्कि एक और सुपरस्टार जुड़ने वाला है और यह फिल्म अब इंडियन सिनेमा के कई सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ देगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास की सबसे मच अवेटेड और इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े बजट की फिल्म है कल की 2898 एडी, जिसके लीड में आपको प्रभास के साथ साथ दीपिका पादुकोण और कई सारे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 2024 में यानी कि इसी साल 9 मई को रिलीज होने वाली है, जिसका डायरेक्शन करने वाले हैं नाग अश्विन। और इस फिल्म से जुड़ी एक एक बड़ी अपडेट ये निकल कर आ रही है कि इस फिल्म ने आपको सुपरस्टार प्रभास, दीपिका पादुकोण, कमल हासन ही नहीं एक बल्कि एक और सुपरस्टार नजर आने वाले हैं, जिनका नाम है जूनियर एनटीआर। जी हाँ, जूनियर एनटीआर इस फिल्म में प्रभु परशुराम जी के कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं और भगवान परशुराम जी के कैरेक्टर में को जिस तरह से ऑडियंस का दिल जीतेंगे उसका अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल रिलीज होने वाली सबसे मचवेटेड फिल्म है, जिसका टीजर भी आपको 11 फरवरी को देखने को मिल सकता है। यह एक साइंस फिक्शन फिल्म होगी, इसके विजुअल्स तो आउटस्टैंडिंग होंगे ही, साथ ही साथ इस फिल्म की जो कहानी है फ्यूचरिस्टिक तो है ही, साथ ही साथ जिस तरह से इंडियन हिस्ट्री को इस फिल्म में दिखाया जाएगा वो भी ऑडियंस के दिल जीत लेगा। फिलहाल में तो मेरी कल की 2898 एडी से यही एक्सपेक्टेशन है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनर बने, साथ ही साथ ऑडियंस के दिलों में भी जगह बनाए। अगर ये फिल्म अच्छी रही तो आपको क्या लगता है, कल की 2898 एडी इंडियन सिनेमा का नाम दुनिया भर में रोशन करेगी या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी और भी ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।